प्रोस्टेट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं और कौन सी जांच करानी चाहिए? जिन पुरुषों की उम्र 50 साल से ऊपर है या 60 साल से ऊपर है और उन्हें पेशाब की दिक्कत हो रही है, साथ में रीढ़ की हड्डी में दर्द भी हो रही है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण हो सकता है। हो सकता है ये फैले हुए प्रोस्टेट कैंसर का भी लक्षण हो, अतः उन्हें PSA टेस्ट जरूर कराना चाहिए और किसी भी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, जिससे इसकी डायग्नोसिस की जाए और जरूरत पड़ने पे इसका इलाज संभव हो पाए। धन्यवाद है।